दमाद जी ठीक से खाए पी लिए कि नहीं? और मिठाई वाला रसम हुआ कि नहीं? आयो वो तो भूले ना गए। ए जीजी बाहर मिठाई और रखे ले आइए ना। आना बेटा बैठ ना बगल में। आजा पंखा झलने की मिठाई खिलाएं। हम झोल ना रहे हैं, बैठ ना। तुम अपने हाथ से दमाद जी को मिठाई खिलाओ। हाँ। तनी हम लोगों का भी तो पता चले कि तुम लोगों में कितना प्रेम है। खिला बेटा, चल ना। अरे बबुआ जी, अब आप खिलाइए हमरे लाजो को, अब तो हरी बारी है। अरे जीजा जी, एक ही बार में पूरा खिलाइएगा। वो का है ना, जितना मिठाई बाहर गिरेगा उतना ही प्रेम कम हो जाएगा। खोले खाले। काटने की आदत गई नहीं तुम्हारे यहाँ? जी पहले भी काटी है का? अरे भैया काटा होगा तभी तो दमाद जी शिकायत कर रहे हैं। यहाँ तो हम लोग भी हैं, बाकी वहाँ तुमने दमाद जी को बचाने वाला भी क्यों नहीं होगा। पुट्टी, ये पुट्टी भी ना। आप बैठिए, आराम से बैठिए। वो कहे ना, हमारे गांव में ना पति पत्नी एक ही कमरा में सोते हैं। यहाँ कौनो गेस्ट रूम नहीं है ना, इसलिए। पर आप चिंता मत कीजिए, हम ना यहाँ पर नीचे जमीन पर चटाई बिछा के सो जाएंगे। आप आराम से इसे ऊपर सो जाएगा। लाजो मैं सो जाऊंगा नीचे, डोंट वरी। अरे आप कैसे नीचे सोएंगे? हमको बचपन से आदत है, हम तो सो जाएंगे। आप वो आराम गद्दा पे सोते हैं ना, पलंग पे, इसलिए आप एक पलंग पे सो जाएगा। हुआ? पेट में दर्द है? हाँ, वो कुछ ज्यादा खा लिया था मैंने। हाँ, पूरी भाजी ज्यादा खिला दिया ना, आदत नहीं है आपको। एक मिनट, हम अभी दवा दे देते हैं, ठीक हो जाओगे। ये दवा है ना, आप लेंगे तो तुरंत ही ठीक हो जाएगा पेट का दर्द। बस बस, कुछ आराम हुआ? ठीक है। पान नहीं खाया आप? थैंक्स। वो कहा है कि यहाँ रसम है, सवेरे देखेंगे कि कुछ नहीं खाया ना तो। नहीं, मैं पान नहीं खाता, थैंक्स। ठीक है, तो हम ही खा लेते हैं। देखियो हमारा मुंह लाल हुआ।
पड़ गई ना बोरी झूठी। वो हमको बोल रही थी कि जिसका पति उसका बहुत प्यार करता है ना, उसका ही मुंह लाल होता है। अब पान तो कोनो भी खाएगा, उसका मुंह तो लाल होना ही है ना। पड़ गई ना बोरी झूठी। ये सब साफ कर दिया तुमने, आप आराम से सो जाइएगा, कोनो भी परेशानी का बात नहीं है। और वैसे आप माई बाबूजी से सच काहे नहीं बोले? अगर बता देते ना तो हम धानी लाके के पास सो जाते। मैं बात करूंगा उनसे कल जरूर। ठीक है, बता दीजिएगा। बस बस हो गया, थैंक यू। सो जाइए। लाजो, तुम इस फैसले से ठीक हो? आमीन, काका काकी मान जाएंगे? कैसे नहीं मानेंगे, मानना तो पड़ेगा ना। चलो चलो अब सो जाओ, ज्यादा सोचिए नहीं। हाँ सो जाइए। जय बोले बाबा, बड़ा भाग से ना ऐसा घर परिवार मिलता है। तुम्हें सास ससुर वो कैसे है, मानते तो है ना तुमको, बर्ताव ठीक है ना, तुमको बहू के रूप में स्वीकार तो किए है ना वो लोग? निखिल तुम आ गए? That marriage is over. मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। क्या हुआ, आंखें क्यों बंद कर ली? रहने दो मुझे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो तुम मेरे सामने हो। क्या तुम सच में हो? मैं हूँ बाबा, पर ये आंसू क्यों? For you. यीशु, क्या बात है, कोई बुरा सपना देखा? तुम रो क्यों रही हो? बोलो। मेरा सपना अब खत्म हो चुका है। In fact, अब सब कुछ ठीक है। And I'm like really happy. I'm so happy for you. तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ते की टेबल पे मैं तेरा इंतजार करती हूँ। Yeah. लाखी, लाखी अपनी चूड़ी का डब्बा दे दे। देखो, पकड़ में आ गई ना, तो बहुत मारेंगे, हाथ चूड़ियाँ खींच के मारेंगे। अरे काय? हमें पुराना चुड़िया नहीं पहन सकते का? पर वो डब्बा तो हमरा है ना, हम तुमको देखे कहते का, देख हाथ लग गई ना तो फोड़ के रख देंगे। हाँ अरे तुम्हारा पति तो इतना अच्छा है, तुम्हें कछु भी दिला सकता है। एक ही शर्त पर, हमें वो सीपी वाला झुमका चाहिए।
दे देंगे, लेकिन एक ही देंगे। हाँ जा पकड़ूगा। जितनी जल्दी बता दूं उतना ही अच्छा है। अभी ही बता देता हूं। काका। अरे बहुआ जी आप आए। आइए आइए। अरे बैठे 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 चाय भाई बना। ए लाजो की माई, अरे कहाँ गई? बहुआ जी उठ के जरा चाय बना के लाओ। काका मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे बबुआ जी हम आपसे बात भी करेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमको कुछ देना है आपको। अब बताओ भाई आते हैं। बबुआ जी ये काका लाजो की ससुराल वालों ने 80,000 रुपए मांगे हैं ना? हम पैसा रख लेते हैं, लेकिन हम ये पैसा कर्जा समझ के रखेंगे। बबुआ जी देखिए देखिए ना ना बोलिएगा, हम आपसे विनती करते हैं। देखिए वो कहा है कि आप माने कि ये घर के मतबल के हम लोगों के दामाद हैं, और जमाई बाबू का पैसा रखना ऐसा है जैसे बहुत बड़ा बोझ है। ब्याह के वक्त परिस्थिति ऐसी रही कि हम अपनी बेटियों के अलावा और कुछ दे नहीं पाए। आप सर से लेकर पांव तक अपने बदन का कतरा कतरा आपके कर्जा में डूबा है दामाद जी। काका आप क्या कर रहे हैं? प्लीज आप नहीं जानते हो आपने हमें कितना बड़ा उपकार किया है। हमारी बेटिया लाजो का हाथ ऐसे बखत में था वो हमने, जब हमारे यहाँ कोई गांव समाज का एक भी आदमी उनके साथ नहीं था। आपके एहसान को हम पूरी जिंदगी लगाकर भी कभी चुका नहीं पाएंगे दामाद जी, कभी नहीं चुका पाएंगे। रामबचन ये क्या कर रहे हो? उठो उठो। बता दिया? नहीं बाबा अभी नहीं। काम हाथा कब बताना था दामाद जी को? निखिल आपसे कुछ कहना चाहता है। ये बोलो निखिल क्या कहना चाहते हो? बाबा घबराओ मत, बेझिझक जो मन में आए कह दो। जहां तक लाजो का सवाल है आज से उसकी हर जिम्मेदारी मेरी है। मेरी है। काका आप लाजो को कहिए जल्दी तैयार हो जाए, हम जल्दी निकलेंगे। हाँ ठीक है बाबा जी, लाजो जरा वहाँ गांव में गई है, हम अभी बुला के लाते हैं। मत हम अभी यहाँ बुला के कहा। ए लाजो लाजो निकल बेटा। से बहुत आगे चले गए थे। बाबूजी हमको पकड़ के वापस लेकर
माई हमको बताए कि हमको तैयार होके आपके साथ वापस जाना है। कहे आप माई बाबूजी को बताया नहीं? हाँ बैठो। समझ रहे हैं, नहीं बोल पाए होंगे ना, बहुत मुश्किल रहा होगा। कैसे बोलते, ठीक ही किया नहीं बता के, हम है ना, हम बता देंगे। हाँ लाजो एक सेकंड, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, घर वाले बहुत अच्छे लोग, उन्हें हर्ट नहीं कर सकता। फिर क्या करिएगा, कुछ सोचा है? वापस चलो मेरे साथ। से बवाल मचा था वहां, और आपका नानी जी वो तो हमारी चटनी बना देंगी। आपका घर वाला लोग ना इस शादी को कभी नहीं स्वीकारेंगे। और तुम्हारे घर वाले? तुम्हारे घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मैंने शादी तोड़ने की बात की तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे। Can't do this। देखो लाजो, मैं जानता हूँ कि मेरे घर वाले शादी से बहुत गुस्सा हैं। वो तो है। यहाँ हमारे गांव में हमारे घर वालों को इस शादी तोड़ने का बात नहीं बता सकते, और वहाँ केवल शादी तोड़ने का ही बात होता है। करे तो क्या करे, शादी तोड़ना ना तोड़ना हमारे हाथ में है लाजो। हम अगर नहीं चाहे तो कोई ये शादी तोड़ नहीं सकता। चलो मेरे साथ वापस। मैं विश्वास दिलाता हूँ तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा। शायद एक अच्छा हस्बैंड ना बन सकूं, मैं वो खुशियां ना दे पाऊं जो एक पति पत्नी को देता है। मैं ये जरूर प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। ना जो गांव से शहर जाना, मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, समझता हूं मैं, बट काका काकी के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। हम अपने माई बाबू जी के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। एक बात बोलें, दिल्ली से जब हम राजी हुए ना आपके साथ अपना गांव वापस लौटने के लिए, हमारा मन ना ऐसे 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 भारी हो रहा था। ये सोच रहे थे कि कहाँ बोलेंगे अपने माई बापू जी को, हमको अपनी फिक्र नहीं होती, बस अपने घर वालों का चिंता लगा रहता है। हमारे गांव में ना लड़की जब मायके में आके रहती है तो माई बापू जी पे बोझ बन जाती है। हमारे माए बाबू जी ये बोझ नहीं उठा पाएंगे, इस
इसलिए हम चलेंगे आपके साथ। आज इसी में हम दोनों की बधाई है। तुम अच्छी लड़की हो लाजो। यू डिजर्व अ बेटर मैरिज। ऐसा पति मिलना चाहिए जो तुम्हें बेहद प्यार करे, ये सब तुम्हारे नखरे उठाए, मैं हमेशा खुश रखे। अच्छी शादी वो होती है जहाँ पति पत्नी के बीच में बेहद प्यार हो। लाजो बात पूछो, तुम्हें शादी में खुश रह पाओगी? ये शादी एक कॉम्प्रोमाइज है, मेरा मतलब है समझौता। प्यार का है? लाजो मैं अपने दिल में तुम्हें वो जगह कभी नहीं दे पाऊंगा।